गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मेवाड़ के महाराणा प्रताप के बारे में। महाराणा प्रताप मेवाड़ के 13वें महाराणा थे। उससे पहले हम पढ़ेंगे उनके पिताजी महाराणा उदय सिंह के बारे में, क्योंकि हमारी किताब में उदय सिंह के बारे में भी एक घटना का वर्णन है। तो मैं आपको बता दूं, उदय सिंह है जो मेवाड़ के 12वें महाराणा है। इनका जो जन्म है वो कब हुआ था, 1522 में। इनका जो जन्म है कब हुआ था, 1522 में। और इनका जो राज्याभिषेक, ये भी राजा बने, राज्याभिषेक कब हुआ था, 1540 में। और इनकी मृत्यु हुई 1572 ईस्वी में, ठीक है ना। तो इनकी जो मृत्यु हुई बेटा कहाँ हुई थी, गोकुंडा में। कहाँ हुई थी, गोकुंडा में। और राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, कुंभलगढ़ में। कहाँ हुआ था, कुंभलगढ़ में, ठीक है। अब मैं आपको इनके बारे में बताता हूं कि ये मेवाड़ के 12वें महाराणा थे, ठीक है ना। 1522 में इनका जन्म हुआ, 1540 कुंभलगढ़ में इनका राज्य तिलक हुआ, 1572 गोकुंडा में इनकी मृत्यु हुई, ठीक है ना। तो मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह के समय में क्या है, अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। उस समय 23 अक्टूबर 1567, दिन कौन सा था, 23 अक्टूबर 1567 को अकबर ने क्या किया, चित्तौड़ पर आक्रमण किया। उदय सिंह के जो दुर्ग रक्षक थे जयमल मक्ता ने अकबर का लंबे समय तक प्रतिरोध किया। मुगल सेना को बड़े लंबे समय तक रोका रहा। मुगल सैनिक, जिसमें मुगल सेना का संचालन कौन कर रहा था, अकबर स्वयं कर रहा था। 4 महीने तक बादशाह की शाही सेना ने घेरा डाल रखा था चित्तौड़ के ऊपर, चारों तरफ से घेर रखा था। और उसी समय क्या होता है कि ये क्या करते हैं, तो उसे बारूद का एक गोला किले की दीवार पर मारते हैं, और जिससे क्या है, 4 महीने के लंबे संघर्ष के बाद में अकबर किले की दीवार तोड़ने में सफल हो जाता है, ठीक है ना। अब क्या होता है, जब दीवार टूट जाती है तो क्या होता है, राजपूत बाहर निकलते हैं और आपस में प्रत्यक्ष संघर्ष करते हैं। प्रत्यक्ष का मतलब होता है बेटा आमने सामने की लड़ाई। प्रत्यक्ष लड़ाई कौन सी है, आमने सामने की लड़ाई। प्रत्यक्ष लड़ाई में क्या है, जयमल मक्ता है, उनको एक गोली लग जाती है, वो गोली कौन मारता है, अकबर अपनी बंदूक से मारता है, ठीक है ना। इसके पश्चात क्या होते हैं, जयमल घायल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानते। अपने जो रिश्तेदार हैं, उनके जो भतीजे हैं कल्ला, उनके कंधे पर बैठकर शत्रु से लड़ाई करते हैं, शत्रु से लोहा लेते हैं। और जयमल मक्ता की मृत्यु के बाद ही क्या होता है, 1568 में, 25 फरवरी 1568 में चित्तौड़ के युद्ध पर इसका अधिकार हो जाता है, अकबर का अधिकार हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि महाराणा उदय सिंह के हाथ से चित्तौड़ का दुर्ग निकल जाता है, ठीक है बेटा। इसे आप उतारिए, फिर मैं इसके बारे में आपको और समझा देता हूं। जो बेटा बता दिया हुआ आपने, मैंने बताया उदय सिंह थे जो मेवाड़ के 12वें महाराणा थे। इनका जन्म 1522 में हुआ था, ठीक है ना। राज्याभिषेक 1540 में हुआ था, 1572 में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है ना। मेवाड़ में महाराणा उदय सिंह के समय अक्टूबर 1567 में अकबर क्या करता है, चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। उदय सिंह ने इस दुर्ग की रक्षा का भार किसको दे रखा था, जयमल मक्ता को दे रखा था। लंबे समय तक जयमल मक्ता क्या करता है, अकबर का प्रतिरोध करता है। और 4 महीने के लंबे घेरे के बाद शाही सेना को क्या होता है, बारूद की सहायता से किले की दीवार तोड़ने में मदद मिलती है। क्या करते हैं, एक तोप का गोला चलाया जाता है जो भारी दीवार से टकराता है और दीवार टूट जाती है। इसके पश्चात क्या होता है, राजपूतों और मुगल सेना का प्रत्यक्ष युद्ध होता है, आमने सामने का युद्ध होता है। इसमें क्या करता है, अकबर बंदूक चलाता है, जिससे क्या है, जयमल घायल हो जाता है। लेकिन इसके बाद भी जयमल हार नहीं मानता है, वो बड़ा बहादुर व्यक्ति, वो क्या करता है, अपने रिश्तेदार हैं जिनका नाम है कल्ला, उनके कंधे पर बैठकर संघर्ष करता है। और जब जयमल मक्ता की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद ही क्या है, अकबर
क्या करता है, चित्तौड़ के किले पर अधिकार करता है। इस समय युद्ध जोहर भी हुआ था, कई बहुत सारे लोग मारे गए। तो कहते हैं कि ये 1567 की ये जो घटना है अकबर के लिए क्या करती है, कलंक का काम करती है। लेकिन बेटा ये हमारी किताब में इतना ज़्यादा इसका वर्णन नहीं है, हमारी किताब में जो वर्णन था मैंने आपको करा दिया, और इसके बाद जो लिखा हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो बेटा क्या होता है, चित्तौड़ के ऊपर क्या होता है, में चित्तौड़ पर अकबर या ब्रैकेट में लिखते हैं मुगलों का अधिकार हो जाता है। लेकिन अकबर क्या है, लेकिन अकबर जयमल और कल्ला की वीरता से प्रभावित होता है। उन्हें सम्मान देने की दृष्टि से उनकी गजारू मूर्तियां बनवाता है और उन्हें आगरा किले के मुख्य द्वार पर लगवाता है। ठीक है ना। अब क्या होता है बेटा, जो फ्रांसीसी यात्री है इसका नाम है आपके वर्डिया, तो इसका वर्णन उन्होंने कहा लिखा है, फ्रांसीसी यात्री वर्नियर ने अपनी पुस्तक ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर में इसका वर्णन किया है। ठीक है ना। आप इसे उतारी थी, मैं आपको आगे बता दू। बाद में इनकी मूर्तियों को औरंगजेब क्या करेगा, हटवा दे। औरंगजेब ने हटवा दी। ठीक है, इसे उतारिए फिर मैं आपको आगे बताता हूं। देखो बेटा 1568 में क्या होता है, चित्तौड़ पर
अकबर या मुगलों का अधिकार हो जाता है, लेकिन अकबर जैमल और कल्ला जैमल तख्ता और कल्ला की वीरता से इतना प्रभावित होता है कि उन्हें सम्मान देने की दृष्टि से गजारूप मूर्तियां बनवाता है उनकी। गजारूप का मतलब है हाथी पर बैठी हुई मूर्तियां बनवाता है और उन्हें आगरा के किले के मुख्य दरवाजे पर लगाता है। दोनों मूर्तियां दोनों साइड मुख्य दरवाजे पर लगती हैं। और जो फ्रांसीसी यात्री बर्नियर है उन्होंने एक पुस्तक लिखी है ट्रेवल्स इन मुगल इंडिया, मतलब मुगल शासन के दौरान उनकी यात्रा, कहाँ पे कहाँ घूमे वो, भारत में घूमे, ठीक है ना। तो उसमें इन मूर्तियों का वो वर्णन करता है, जब वो आगरा आया था तो उसने इन मूर्तियों को कहाँ देखा था, आगरे के किले के मुख्य द्वार पर देखा था। लेकिन जब धर्मांध धर्म का अंधा औरंगजेब शासक बनता है तो वो क्या करता है, इन मूर्तियों को वहां से हटा देता है। तो ये उदय सिंह के बारे में हमारी किताब में ये सारा वर्णन था जो हमने विस्तार से पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे महाराणा प्रताप के बारे में। ठीक है ना, अब पढ़ेंगे महाराणा प्रताप के बारे में। महाराणा प्रताप, ठीक है ना, इनका जो शासनकाल है वो है 1572 से 1597, ये क्या है इनका शासनकाल है। अब हम इनके जीवन परिचय क्या लेंगे, हम जीवन परिचय, ठीक है ना, इनके जीवन से संबंधित समस्त घटनाओं के बारे में हम जीवन परिचय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनका जन्म। जन्म कब होता है इनका, 9 मई 1540 को। दूसरा इनका वंश, सिसोदिया वंश, तीसरा ये मेवाड़ के 13वें महाराणा थे, ठीक है। चौथा इनका जन्म स्थान, ठीक है ना, जन्म स्थान के बारे में मेरा मतभेद है, क्या है, कुछ लोग बताते हैं कुंभलगढ़, कुछ लोग क्या बताते हैं कुंभलगढ़, और कुछ लोग बताते हैं पाली, ठीक है। मैं दोनों चीजें आपको जब इनके आगे चलेंगे तो हम बताएंगे। इनके बाद में है इनकी माता, ठीक है ना, तो इनकी माता का नाम क्या है, जयवंती बाई, ठीक है ना। और उदय सिंह की एक पत्नी और थी, इसका नाम था वीर कंवर, उसको भी हम यहाँ लिखेंगे। क्यों लिखे हैं मैं आपको ये बताऊंगा, माताओं के नाम क्यों लिखे। इनके बाद में हम लिखेंगे इनके भाइयों के नाम, इनके भाई हैं जगमाल और शक्ति सिंह। आप ये उतारिए मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि अभी इनके परिचय में हमें और भी बहुत सारी चीजें पढ़नी है। देखो बेटा महाराणा प्रताप का जो शासनकाल है वो क्या है, 1572 से 1597 ईस्वी का, ठीक है ना। ये कहाँ के शासक थे, मेवाड़ के शासक थे। कौन से वंश के शासक थे, सिसोदिया वंश के शासक थे। कौन से नंबर के महाराणा थे, 13वें नंबर के महाराणा थे, ये मेवाड़ के 13वें नंबर के महाराणा थे। इनका जो जन्म है वो 9 मई 1540 ईस्वी को, 9 मई 1540 ईस्वी को हुआ। वंश परंपरा मैंने आपको बताई थी
ये क्या थे, मेवाड़ के सिसोदिया वंश के थे। अगले जो है ये मेवाड़ के 13वें महाराणा थे, और जन्म स्थान कुंभलगढ़, और एक जन्म स्थान कहीं कहीं आता है पानी। तो मैं आपको बता दिए कौन बोलता है, तो कुंभलगढ़ बताते हैं कर्नल टाट। कर्नल टाट क्या कहते हैं, इनका जन्म कहां हुआ, कुंभलगढ़ में हुआ। लेकिन ये किसके बेटे थे, जयवंती बाई के। और जयवंती बाई कौन थी, बाली के अखेराज की पुत्री, अखेराज की पुत्री। तो बेटा बाली में एक रिवाज है कि अगर बच्ची के कोई बच्चा जन्म लेता है, डिलीवरी होती है, तो क्या करते हैं, पहली डिलीवरी क्या होती है, अपने पियर में होती है। तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि महाराणा प्रताप का जन्म अखेराज के महलों में कहाँ हुआ था, पाली में हुआ था, क्योंकि ये उदय सिंह के सबसे बड़े बेटे थे। इनकी माता की ये क्या है, पहली डिलीवरी थी, तो कहाँ हुई, पाली में हुई, ठीक है ना। लेकिन कर्नल टाट जो आधुनिक इतिहासकार हैं, उनके अनुसार हम क्या कहते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ, कुंभलगढ़ में, ठीक है। तो हमारी किताब में कुंभलगढ़ दिया हुआ है, तो आप कुंभलगढ़ लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप पाली लिखते हैं, तो मैंने आपको बताया कि हमें प्रमाण देना पड़ता है, तो हम बताएंगे ये सारी घटनाओं के बारे में लिखेंगे। अगर छोटा सवाल आता है एक शब्द का, एक मतलब 10 शब्द वाले जो उत्तर आते हैं, उसमें आप कुंभलगढ़ ही लिखेंगे। अगर मान लो 20 शब्दों में या 40 शब्दों में आएगा, तो आप ये सारी कहानी लिख सकते हैं किसने क्या क्या कहा। इनकी माता जयवंती बाई, मैंने आपको बताया था, पाली के शासक अखेराज सौंदरा की बेटी थी, ठीक है ना। मैंने यहाँ एक दूसरी माता का भी नाम लिखा है, धीर कंवर, ठीक है ना। तो धीर कंवर नाम क्यों लिखा है, जब मैं आपको धर्मालु शक्ति सिंह बताऊंगा, तब आपको मैं धीर कंवर के बारे में बताऊंगा, ठीक है ना। इनके जो भाई थे वो कौन थे, जगमाल और शक्ति सिंह। तो ये धीर कंवर है बेटा, ये धीर कंवर है जगमाल की माता जी, ठीक है ना। ये धीर कंवर कौन है, जगमाल की माता जी है, और उम्र में राणा प्रताप से जगमाल क्या है, छोटे हैं। वही मालदेव वाली कहानी यहाँ दोहराई जा रही है, बस फर्क यह है कि वहां राम को गद्दी नहीं मिलती, लेकिन यहाँ महाराणा प्रताप को गद्दी मिलेगी। कैसे मिलेगी, वो भी एक घटना है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। धीर कंवर क्या करती है, उदय सिंह से ये आश्वासन ले लेती है कि उनकी मृत्यु के बाद में मेवाड़ के महाराणा कौन बनेंगे, जगमाल बनेंगे, ठीक है ना। शक्ति सिंह आपको मालूम है मेवाड़ के सिसोदिया वंश की 13 खापे हैं, इनमें जो 57 शाखा है सिसोदियों की, वो कहां से चली है, शक्ति सिंह से बने हैं 57, ठीक है। अब अपने को ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, अपन को ये देखना है कि इनका राजनीति में कैसे होता है, कौन कौन सी घटनाएं घटती है जिनका इस पर प्रभाव पड़ेगा, जगमाल शासक क्यों नहीं बनेगा, जब उदय सिंह भी चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो उदय सिंह की इच्छा के अनुसार उनके सामंती भी इस बात को एग्री करेंगे, है ना, कि जगमाल शासक बने। लेकिन बेटा ये घटनाक्रम ऐसा घटेगा जिसके कारण सारे लोग जगमाल के विरोधी हो जाएंगे, और जनमत और सरदारों के बहुमत पर क्या होंगे, महाराणा प्रताप को क्या होगा, राजा बनाया जाएगा। ये घटना कब घटेगी, 1572 में। आप इसे उतार लो, मैं इसको हटा देता हूं। अब देखो बेटा इनकी पत्नियों के बारे में देखते हैं कि महाराणा प्रताप की कितनी रानियां थी, और देनी है पत्नियां। पत्नियां लिखने से आप समझ गए होंगे कि एक से ज्यादा रानियां होंगी, तो अजब दे पवार सहित 11 रानियां थी। कितनी थी, 11 रानी थी,
ठीक है, अमर सिंह, भगवान दास, सहित कुल 17 बेटे थे। अब देखो इनके राज्य से एक तो होता है इनका राज्य से फरवरी, अब 15 फरवरी 1572 को, ठीक है, और एक राज्य अभिषेक है इनका 1573 को। अब इन दोनों में क्या अंतर है, ये राज्य अभिषेक होता है गोविंदा में और ये राज्य अभिषेक होता है कुंभलगढ़ में। क्या होता है, कुंभलगढ़ में। इन राज्य अभिषेकों में क्या अंतर है, इसको तो बोलते हैं पहला राज्य अभिषेक और इसको बोलते हैं विधिवत राज्य अभिषेक। क्या बोलते हैं, विधिवत। विधिवत का मतलब होता है कानूनन, है ना, विधिवत का मतलब होता है कानूनन, कब ये राजा कहलाएंगे, ठीक है ना। उपनाम है इनके, क्या है, ईगा और पाथल। ईगा किसने दिया है, नीरो ने, और पाटल किसने दिया है, ग्राम को बनाया था मेरे कन्हैयालाल सेठिया ने। और इनकी मृत्यु होती है, कब होती है मृत्यु, 19 जनवरी 1597। जनवरी 1597 में क्या है, इनकी मृत्यु हो जाती है। आप इसे उतारिए तो आपको एक एक चीज समझा दू। देखो बेटा एक चीज मैंने आपको बताई थी कि पाली में जन्म हुआ, तो पाली का जो जन्म है उसका तो मैंने बता दिया था कुंभलगढ़ वाले स्रोत का। यहाँ जो स्रोत है वो है विजय नाहर, क्या है, विजय नाहर नामक इतिहासकार, ठीक है, जो बता दीजिए मैं आपको समझा। देखो बेटा मैंने बताया हम पढ़ चुके थे जन्म से लेके सारी चीजों के बारे में, उसके बाद मैंने आपको बताया था जन्म की दो चीजें बताई थी, कुंभलगढ़ में जो कंडरकार बताते हैं, दूसरा बताया था पाली में जो बताते हैं और विजय नाहर नाम के इतिहासकार। उसके बाद उनके भाइयों के बारे में बता दिया, उनकी माओ के बारे में बता दिया। अब देखते हैं उनकी कितनी शादियाँ हुई, तो इनकी जो पत्नियाँ थी वो 11 थी, अजब थे बवा सही कितनी थी, 11 थी। इनके पुत्र थे वो 17 थे, अमर सिंह और भगवान दास सहित 17। अब राज्य अभिषेक को देखिए, 15 फरवरी 1575 को क्या होता है, इनका राज्य अभिषेक होता है, और कहीं कहीं ये दिन 28 फरवरी, कहीं कहीं ये दिन क्या दिया हुआ है, 28 फरवरी, जो हमारी किताब है उसके अनुसार क्या है, 28 फरवरी, ठीक है। अब क्या घटना घटती है वो मैं आपको बताता हूँ। ये दिन कौन सा बेटा, होली का दिन है। यहाँ जो घटना घटती है क्या, 1577 में क्या होता है, गोविंदा में उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है,
ठीक है, हम यहाँ चल रहे हैं राज्य अभिषेक पर, इसी के साथ जुड़ा हुआ है तो ये जगह मैंने पहले रख ली थी आप लोगों के लिए। 1572 में क्या है, उदय सिंह की हुकूमत नामे में मृत्यु हो जाती है। अब आप देखिए, आपको मालूम है कि हमारे यहाँ ऐसा रिवाज है हिंदुओं में कि जो राजा की पगड़ी धारण करेगा वो ही क्या करेगा, चिता को आग लगाएगा, ठीक है ना। जैसे ही 1572 में गोकुलधाम में उदय सिंह की मृत्यु की खबर पहुंचती है तो क्या करते हैं, जगमाल राजा बनने की तैयारी में जुट जाता है, ठीक है ना, या महाराणा बनने की तैयारी में जुट जाता है। इसको रोकने के लिए शक्ति सिंह क्या है, शक्ति सिंह भी एक उत्तराधिकारी है तो वो भी क्या करता है कि देखता हूँ मेरे रहते हुए कैसे राजा बनता है। तो शक्ति सिंह क्या करता है, जगमाल को रोकने चले जाता है, देख लिया इधर पिता की मृत्यु हो गई, पिता की लाश कहाँ है, गोकुंडा में है, जगमाल राजा बनने चल दिया, शक्ति सिंह उसको राजा बनने से रोकने को चल दिया, लेकिन महाराणा प्रताप क्या है, गोविंदा पहुंचते हैं। महाराणा प्रताप क्या है, गोविंदा पहुंचते हैं। अब क्या होता है, जैसे गोविंदा पहुंचते हैं तो आपको मालूम है जब किसी के यहाँ मृत्यु होती है विशेषकर बड़े लोगों के, तो उनके जो अधिकारी, उनके रिश्तेदार, सारा समाज और जनता सारे के सारे काम मौजूद है गोविंदा में और इंतजार कर रहे हैं जगमाल का, शक्ति सिंह का, लेकिन पहुंच कौन रहा है, महाराणा प्रताप, ये दोनों नहीं आते तो मुखाग्नि कौन देगा, महाराणा प्रताप। तो गोकुंडा में उदय सिंह को मुखाग्नि किसने दी, महाराणा प्रताप ने। अब नियम ये बन गया कि जो मुखाग्नि देगा वही तो पगड़ी पहनेगा, जो पगड़ी की रस्म होगी किसको मिलती है, हमारे समाज में हिंदू समाज में जो मुखाग्नि देता है, ठीक है ना। अब जैसे ही मुखाग्नि इन्होंने दी तो वहां उपस्थित सारे सामंत, सारे रिश्तेदार और सारी जनता ने क्या किया, अपने समर्थन से महाराणा प्रताप को क्या बना दिया, मेवाड़ का 13वां महाराणा घोषित कर दिया। अब देखिए जनता के सहयोग से होली के दिन 28 फरवरी 1572 को ये क्या है, महाराणा घोषित हो गए। उसके बाद में जगमाल ने, शक्ति सिंह ने कुछ विरोध किया लेकिन महाराणा प्रताप आपको मालूम है बहुत वीर व्यक्ति थे, उन्होंने इनको हरा दिया, इनको भगा दिया। इससे क्या होते हैं कि जगमाल और शक्ति सिंह कहाँ चले जाएंगे, अकबर की शरण में चले जाएंगे। हरा जाओ ये ना, या बात यहाँ तक आप लोग उतार लो, इधर लिख देता हूँ, है ना। अब क्या है बेटा, जगमाल और शक्ति सिंह क्या है, कहाँ चले गए, अकबर की शरण में चले गए। अब आप देखिए अकबर को क्या करता है, ऐसे ही अवसरों की तलाश में रहता है कि परिवार में फूट पड़े और उसको वहां हस्तक्षेप करने का मौका मिले, तो अकबर क्या करता है, इन दोनों को अपने चरण में ले लेता है। लेकिन हमें इतना ही पढ़ना है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं महाराणा प्रताप के जीवन परिचरण विधिवत। ये तो क्या किया था बेटा, जनता ने, सामंतों ने, इन्होंने तुरंत ही राज्य अभिषेक कर दिया था, लेकिन विधिवत इन्होंने जो अपना राज्य काम कराया 1573 में कुंभलगढ़ में इन्होंने अपना विधिवत राज्य अभिषेक करवाया, ठीक है। अब उसके बाद में इनके जो उपनाम है वह है कीका, कीका क्या है, भील अपने पुत्र को कहते हैं, तो उन्होंने भील से प्यार से अपने पुत्र के समान मानते थे, इन्होंने क्या किया, कीका इन्होंने उपाधि दी, पाकल दंगायादार सेठिया ने उपाधि दी और मृत्यु जो इनकी है वो ये बताते हैं कि 19 जनवरी 1597 को ये धनुष की प्रत्यंचा फेंच रहे थे जिससे क्या है ये घायल हो गए
और कुछ समय बाद इनकी मृत्यु होगी। ये सारी चीजें आप निकाल लीजिए, फिर मैं आपको वापस थोड़ा सा बता। जो बड़ा ये अपन ने इनका जीवन चरित्र पढ़ लिया, यहाँ आपको बताता हूँ विधिवत जो राज्यभिषेक हुआ 1573 कुंभलगढ़ में हुआ, वीरों ने इसे टीका कहा और कन्हैयालाल सेठिया ने इसे पाथल कहा। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है पाथल और पीथल। पीथल किसको कहते हैं? वो पृथ्वीराज, इसको कहते हैं पृथ्वीराज राठौड़। ठीक है ना बेटा, इतिहास में 5-6 पृथ्वीराज राठौड़ हुए हैं, पृथ्वीराज फर्स्ट, पृथ्वीराज सेकंड, पृथ्वीराज थर्ड। ये तो आपने कहाँ पढ़े थे? अजमेर के चौराहों पढ़े थे। एक पृथ्वीराज आपने पढ़ा था राणा सांगा के साथ, जो आमेर की शासक थे वो कहाँ गए थे? खानवा के युद्ध में गए थे। पांचवा आप पढ़ रहे हो पृथ्वीराज राठौड़, ये कहाँ गए? बीकानेर के कल्याणमल के पुत्र हैं। और ये क्या है? एक बहुत बड़े राइटर हैं और इन्होंने गागरगुण में रहते हुए वेदी कृष्ण रुक्मणी भी एक कथा लिखी और इसी को क्या कहते हैं? कन्हैयालाल सेठिया पीतल कहते हैं। ठीक है, ये जोड़ी है पाथल और पीतल की, इसकी भी एक कहानी है, लेकिन उस कहानी में हमको नहीं जाना कि ये अकबर की शरण में रहते हैं। आपको मालूम है दोनों भाई राय सिंह हुए, लेकिन ये महाराणा प्रताप के गुणगान करते हैं। ठीक है ना, उसका एक बहुत बड़ा कारण है, लेकिन हमें वहाँ नहीं पहुंचना, हमें तो यही समाप्त करना है। अब मैं आपको बताऊँ महाराणा प्रताप राजा बन गए थे 1572 में, उस समय मेवाड़ की स्थिति कैसी थी? मेवाड़ और लुंगड़ों के बीच में लंबा युद्ध चल रहा था। लंबे संघर्ष में क्या है, मेवाड़ की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। मेवाड़ के अधिकांश भागों पर क्या है, चित्तौड़ जैसे स्थानों पर क्या है, अकबर की सेना ने क्या किया था, कब्जा कर लिया था। ये वो स्थितियां थी जो महाराणा प्रताप के लिए विकटता पैदा कर रही थी। राजा बनने के बाद इन्हें अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारनी थी, साथ में क्या करना था, मेवाड़ के जो भाग अकबर ने छीन लिए थे उन्हें वापिस हासिल भी करना था। ये वो दौर था जब आमेर के बारमल है ना, जोधपुर के उदय सिंह, बीकानेर के कल्याणमल, बूंदी के सुजन राडा, ये सारे लोग क्या थे, अकबर के शरण में पहुंच गए थे। ये सारे मजबूत राजपूत राजा थे जो क्या थे, अकबर के आधीन थे। अकबर की सुलह पुत्र नीति के अनुसार इन लोगों ने अकबर की आधीनता स्वीकार कर ली थी। ऐसे में अपने आप को स्वतंत्र बनाए रखना कितना मुश्किल काम है। तो उस समय राजस्थान में ऐसे दो ही राजा थे जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता की पूर्ण प्रयत्न किया। एक था मैंने आपको इनसे पहले पढ़ाया चंद्रसेन, जिन्हें प्रताप का अग्रगामी, प्रताप का पथ प्रदर्शक कहते हैं, और दूसरा है आपके महाराणा प्रताप। इन दोनों ने क्या किया, अपनी अपनी स्वतंत्रता को बचाए रखा और अंतिम समय तक अकबर की सेनाओं से लोहा लिया। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा यही समाप्त होता है। अगले वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे हल्दीघाटी के युद्ध के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हल्दीघाटी के युद्ध के क्या कारण थे, फिर हम पढ़ेंगे अकबर ने कौन से कूटनीतिक प्रयास किए, फिर पढ़ेंगे हल्दीघाटी में क्या हुआ, और उसके बाद पढ़ेंगे हल्दीघाटी के क्या परिणाम निकले। ठीक है ना, अगर आपको इससे संबंधित कोई भी समस्या हो, कोई भी चीज आपके समझ में नहीं आई हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारा प्रयास यही रहेगा कि आपकी सारी समस्याओं का हल किया जाए। धन्यवाद।